जस्ट अभी मैंने मेरा ब्रेकफास्ट करा है एंड टाइम हो रहा है अभी सुबह के 12:30 दोपहर के मतलब। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो के तो उठ गए थे टाइमली 11:30 तक, लेकिन तब भी यार ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो गया कि मैंने ये मूसली और ये ना ख़त्म हो गए थे, इनको मंगाया था अभी, ऑर्डर करा था, तो आने में थोड़ा टाइम लग गया, फिर इनको बनाया खाया तो उसमें टाइम लग गया, वरना मैं 12 बजे तक खा के फ्री हो जाता है। एंड मैं तो चलो खा पी के तब भी फ्री हो गया, मतलब बना के दे दिया और मैं खा लिया। तो क्या हो गया, तो ठीक है ना, तो दे दिया तो क्या हो गया, खुद ने खाया अभी तक। और मैंने खा पी के फ्री हो चुका हूँ, 12:30 बज रही है, जिम जाना था एंड ये भाई अभी तक वीडियो ही एडिट कर रही है, अभी ये खाएंगे फिर हम लोग जिम जाएंगे। कितनी देर, जल्दी बोलो, टाइम बोलो, उतनी देर के बाद मैं ये देखो भाई बहुत आलसी, जब से आई है ना सिर्फ 3 दिन जिम गई है, ये सिर्फ 3 दिन अभी तक, इसके चक्कर में अभी 3 ही दिन जा पाया हूँ। तो आप जाओ, मैं रोक रखी हूँ क्या आपको, क्या आप मैं जाओ, तो तुम जाने नहीं देती ना, तुमने नहीं रोक रखा, बट तुम्हारे इस क्या बोलते हैं ने रोक रखा है, माया जाल ने रोक रखा है ना, मैं जा नहीं पाता ना, मैं तो कभी मना नहीं करती कि जाने वाने को, जाओ जाए, चलो चलो ना फटाफट चलो, आज चले चलो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट। अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि घर जाके मुझे अपना जिम बैग लेकर आना है, जिम बैग लेकर आनी है, सब घर पे पड़ा हुआ है एंड ये कुछ सामान दिया मामी ने जो मम्मी को देना है, तो ये करके मैं जिम बैग लेकर आता हूँ एंड उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जिम। एंड आज हम लोग का प्लान है कहीं ऐसे मुक जाओ यार बाहर जाने का, सो बाहर में हम देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, वो तो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अपना जिम बैग लेके सब कुछ लेके नीचे आके मैं खड़ा हूँ 15 मिनट से, और मैडम अभी तक नहीं आई है, और जबकि मैं बोल कर, मेरे को गए आधे घंटा हो चुका है यानी तैयार नहीं हो पाई है भाई, इतना लेट करती है ना हर जगह जाने के लिए, जिम जाने के लिए इतना लेट कर रही है, सोचो अभी तक भी कुछ भी आता पता नहीं है। ये देखो अब आ रही है, आधे घंटे हो गए मुझे घर गए हुए, पता है ना, आधे घंटे में तुम तैयार नहीं हो पा रही, तबियत खराब हो गई थी, बहाना बस लगा था दूसरों का किसी भी बचने का, सॉरी। सो गाइस हम लोग जिम पहुंच गए एंड यहाँ इनका BMI होने वाला है, बॉडी मास इंडेक्स, अब पता चलेगा इनके बॉडी में कितना फैट है, कितना वाटर है, कितना वेट है, सब कुछ पता चलेगा। अभी वेट इनका 63.7 kg, देखा कहा था ना मैंने कम हुआ, मानती नहीं मेरी बात। सो गाइज इनका BMI का रिजल्ट मेरे हाथों में है एंड मैं दिखाता हूँ ना, बैठो बैठ के दिखाता हूँ तुम्हें। तो 3 दिन से क्या मौसम हो रखा है जयपुर का, वो देखो उधर नारगढ़ और आमेर की पहाड़ियाँ, नारगढ़ कौन सा है, नारगढ़ उधर से देखो वो जो फोर्ट दिख रहा है ना मेरी उंगली पे, ये वाला नारगढ़ है, हाँ वो आमेर है, उधर आमेर देख के ज्यादा खुश हो जाती है। मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रखा है एंड हम लोगों का प्लान बन रहा है कुछ दिन में हम लोग जाएंगे पुष्कर, अब कब जाएंगे ये पता नहीं है लेकिन जाएंगे जरूर, 2 दिन के लिए हम लोग पुष्कर जाने वाले हैं, कि घर जाए उससे पहले इनको सोच रहा हूँ पुष्कर घुमा देता हूँ, कोई बात नहीं, डिप्रेस मत हो यार, मुझे जिम मिस नहीं करना, क्या कह रही हो, जिम मिस नहीं करना, सो घर तो जाओगी तो मिस तो हो ही जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें भी जैसे क्या कंट्रोल्ड है, हाथ में है, चीज़ें सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। हाँ लेकिन यही तो भाई हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने को लगता है कि ठीक है चलो कोई नहीं, लेकिन भाई यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे आपकी हेल्थ ख़राब होती है आगे जाके। मैंने मेरा करवाया हुआ है, मेरे में सब कुछ एक्यूरेट रहता है हमेशा, मैंने 3-4 बार करा चुका हूँ, हर बार सब कुछ एक्यूरेट आता है, बस मेरा वेट थोड़ा सा कम आता है, लेकिन वो वेट मेरे ठीक है चल जाता है, लेकिन भाई उससे ना मेरी बॉडी फिजिक, मेरा फैट परसेंटेज, वाटर लेवल, वो सब मेंटेन है, मेरा सबसे बड़ी चीज़ वो है मेरे लिए, तो वो चीज़ मेंटेन है एंड इनके में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन ये देखो इन्होंने 3-4 दिन एक्सरसाइज करी अभी तक एंड उसमें इनका 1 kg वेट लॉस हुआ है सीधा सीधा, सोचो 3 दिन के अंदर, तो अगर तुम 2-3 महीने सही से कर लो ना तो एकदम फिट हो जाओ। सो तुम्हें मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, 2-3 महीने अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ 2-3 महीने मेरे साथ रहने की, तो तुम तेज हो रहे हो। चलो कोई बात नहीं, चलो एक्सरसाइज करें, चलो डन विद द वर्कआउट। वर्कआउट तो अच्छा हुआ इनका, तो आज बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया। काफी यानी मतलब कि अच्छा आज से इनके मेन जो वर्कआउट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आज से इनकी स्टार्ट हुई, तो इनसे तो मिक्स में कर रही थी जिससे इनकी बॉडी को आदत पड़ जाए, लेकिन आज इन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज करी है थोड़ा बहुत, क्रेडिट गोस टू ही बेचारी, ऐसे सोचती हूँ अगर नहीं हो तो पता है यानी अब ऐसे टेंशन आ गई, कह रही है मैं जब तक मेरा नहीं हो जाएगा सही मैं नहीं जाऊंगी, मैं पापा से बात कर लूंगी, मैं 10-5 दिन और रुक जाऊंगी, अब मेरे को टेंशन हो चुकी है ना, क्योंकि सही में अभी तक मुझे लगता था कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आई एम लाइक लिटिल बिट चबी एंड यही चीज पता है इंडिया में लोगों को यही दिक्कत होती है, मुझे
सच में ऐसा लग रहा है कि सबको सोचना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, यही मैं कहता हूँ। पता है इम्पोर्टेंट है, इंडिया में सबको लगता है कि अरे हम तो फिट है, हम तो फिट है, भाई नहीं हो फिट। कभी आप अपना जाके BMI करवाना, कभी जाके अपनी बॉडी चेकअप करवाना, फिट नहीं निकलोगे। अभी देखना, अभी मैं पापा से जब तक मैं उनको स्लिप के साथ नहीं बात करूंगी ना, वो कहेंगे नहीं ठीक हो, बोलू बोलू ऐसे ही अच्छी लगती हो, ऐसे ही प्यारा है। बट जब मैं उन्हें बताऊंगी, दिखाऊंगी वो स्लिप प्रॉपर जो भी मेरी थी, तब उन्हें वो समझ सकते हैं। वरना ऐसे तो देख के लगता नहीं यार हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। सोचो इनकी तो बॉडी में तब भी 27% बॉडी फैट है, लोगों की बॉडी में 50% बॉडी फैट होता है। भाई तुम्हारी बॉडी में 50% सिर्फ फैट है, जिनके में है जो बहुत ज्यादा मोटे, सोचो तुम्हारी बॉडी में सिर्फ फैट उतना, तुम्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, खाने में दिक्कत आएगी, डाइजेशन में दिक्कत आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए भाई हेल्थ का अपना ध्यान रखो, सब लोग जिम में जाओ, थोड़ा बहुत ही वर्कआउट करो, बट थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये पता है तुम्हें, 4 दिन हो गए, 4-5 दिन इन्होंने पूछो इनको, कोई मैंने डाइट लिख के दी हो या कुछ लिख के दिया, नॉर्मल जो घर का खाना वही खा रही है, अभी भी जो ये पहले खाती थी वही अभी भी खा रही है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो खाना तरीके से खा रही है एंड एक्सरसाइज तरीके से हो रही है। 1 kg हुआ ना वेट, 1 kg 4 दिन। अभी थोड़ा सा आज के बाद से थोड़ा सा और ध्यान दूंगी कि लाइक मैं नमक बहुत एक्सेस में खाती हूँ, लाइक सोडा भी थोड़ा हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेती हूँ बहुत, तो वो सब भी थोड़ा सा मैं मैनेज करूंगी और धीरे धीरे ठीक है। एकदम बहुत परेशान भी नहीं होना है कि एकदम से क्या हो गया, बट अगर हम धीरे धीरे इस चीज पे काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गाइस आज हम IPL देखने वाले, तो उसकी पार्टी के लिए हम लोग सामान ले रहे हैं, जैसे हमने मैकिन्स ले लिया, ब्रेड ले लिया, चीज ले लेंगे, सैंडविच बनाएंगे अभी, तो फिर उसके बाद चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एंड ये सब खाएंगे हम आप नहीं, क्योंकि तो आपको डाइट कॉन्शियस हो। मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ क्योंकि मेरे को तो वैसे ही गेम करना है, मैं 24/7 गेम पे रहता हूँ। सो ये सारी चीज़ें ले लिया एंड ये बना के मुझे आज खिलाने वाली हैं सब कुछ, है ना। क्या करना है इसको, फ्राई करने हैं, सैंडविच तो वैसे भी मैं बना ही देती हूँ। You are very hard working, nice. और क्या लूँ? क्या क्या लिया है? 3 chips ले ली है, 1 cold drink ले ली है, और क्या लूँ? बिंगो है क्या? बिंगो नहीं है। क्यों? जो मुझे खाना होता वही नहीं रहता है बस। तुसी 80 पियेंगे लस्सी। गाइस देखो इतना सारा सामान ले लिया मैंने। रामू काका, रामू काका चलो रखो, पार्टी होगी, बैठ जाओ फटाफट, बारिश आ रही है। मेरी डाइट तैयार हो चुकी है, सैंडविच 2 मेरे एंड 2 इनके इसके अंदर है। थैंक यू सो मच, तुम नहीं होती तो बताओ कौन सैंडविच बना के खिलाता मुझे। तुम्हारे होने से देखो कितना फायदा होता है मेरा, इसलिए तो तुम्हें मैं चाहता हूँ कि यहीं रहो आराम से, उसमें वो जगह से वो लगा लगा हुआ जल जाएगा। जल गया, जल गया, कोलगेट लगा लो। यही होता है। तो गाइस मिस्टर कैप्टन कूल इज हियर, चेन्नई सुपर किंग्स विसल पोड़ू। सो टॉस हो रहा है एंड टॉस पिन हो चुका है, कौन जीता भाई, कौन जीता? चेन्नई 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 चेन्नई। ओ भाई गुजरात जीत गई, गुजरात टॉस जीत गई है एंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है। इसका मतलब मैच कौन जीतेगा, कौन जीतेगा मामा? मुझे तो लग रहा है कि धोनी जीतेगा। धोनी सीएसके, हार्दिक पांड्या। ए हार्दिक पांड्या तो नीला पहनो, पीला उतारो, पीला उतारो, नीला पहनो, सब यहाँ पे पीला पहन के बैठे हुए, देखो पीला पीला पीला, सब पीला पहने क्योंकि सब येलो सपोर्ट कर रहे हैं। ये भाई साहब पीला, तुम सफेद क्यों पहने हो, तुम किसकी टीम में हो भैया? फॉरएवर सीएसके। गुड मॉर्निंग, उठ गई सोके? सोई गई। यो येलो पहनो, येलो पहनो, सीएसके सपोर्ट येलो पहनो, चलो। अरे नहीं येलो पहनो, जाओ उठ के येलो पहन के आओ। हिम्मत नहीं मेरे सर। देख लो गाइस गुजरात, सुनो तो सही, अरे सुनो तो, गुजरात को सपोर्ट करने के लिए नीला पहनी है वो, समझी? वो नीला पहन ली, देख लो मामा, देख लो मामा, धोखा हुआ है। नहीं घर से तो नहीं, अगर ये जीत गए तो अपने को निकाल देंगे। अपन सारे जाएंगे। सो फर्स्ट बॉल और पहली बॉल डॉट हो चुकी है एंड यहाँ पर हमारा स्नैक्स आ चुका है, चाय आ चुका है एंड जैसे स्नैक्स एंड चाय देखो कैसे बैठ चुकी है एकदम, खाने पीने के नाम पे तो पहले तैयार रहते। अभी क्या बोली थी मेरे को कि कुछ नहीं खाऊंगी मैं, हाथ देख लो कहाँ कुछ खा रही है। सही बात है, चेक कर रही है क्या है। ओ सही है, ऋतुराज गायकवाड़ की 50 हो चुकी है, चेन्नई का स्कोर बताओ। अरे बस देखो दीपक चार सिटी मार रहा है, देखे मामा कहा था ना आज मारेगा 50 रन, देखे। और विरोधी, हेलो हेलो, क्या क्या 6 मारा भाई यार, बहुत प्यारा बैट्समैन है ये। सो गाइस रविंद जडेजा आउट हो चुका है, यहाँ पर आ चुके हैं MS धोनी। भाई साहब 1 साल पूरा इंतजार करना पड़ता है इनको देखने के लिए, बैटिंग करने के लिए। सो गाइस मैच तो एक तरफा हो चुका है एंड वो देख के ना मुझे डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आज सुबह से दिन ही डिप्रेशन चल रहा है ना।
इनको वेट देख के डिस्प्रेशन आ रहा है, मुझे मैथ देख के डिस्प्रेशन आ रहा है। खाना नहीं ऑर्डर करा सुबह बेचारे के साथ, क्या हुआ? अभी मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर करा था, पता है, सुनो, जोमेटो से खाना ऑर्डर करा तो जोमेटो का डिलीवरी वाला, कोई और डिलीवरी वाला मेरा खाना लेके कहीं और चला गया। फिर जोमेटो वाले फोन करके बोल रहा है ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा सही बात है, सही डिलीवरी वाले रख रखा तुमने भी। मेरा गुस्सा आ रहा है, रात के 11 बज रही है, अभी तक खाने का भी आता भाई ने, वापस खाना ऑर्डर करा है। एंड मैच तो लगभग लग रहा है भाई, गया सीएसके का 106/2 हो चुके हैं, 11 ओवर, क्या ही होगा पता नहीं। एंड गाइज हमने वॉफल भी मंगाया था, वॉफल तो हमारा आ चुका है, ये वाला मेरा है, बाकी ये सब पूरा खानदान का इनका। और ये वॉफल किसका है? मेरा है। क्या मतलब तुमने मंगाया तो अपनी मर्जी के हिसाब से खाओगी? खा वो तो मैंने तुम्हारे मन रखने लगा था। एंड ये वॉफल है ना गाइस, इन्होंने ही मंगाया है क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप आई है। तो स्कॉलरशिप में से इन्होंने थोड़ी सी पार्टी दे दी थी। और गाइस दे दिया उन्होंने, लोग नजर लगा देंगे, वो पैसा फिर मेरा खर्चा हो जाएगा जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कल फिर मैं खिला के बराबर कर दूंगा, कोई बात नहीं गाइस, लेकिन ये वॉफल तो मैं ही खाऊंगा। सो गाइस डिनर भी हो चुका है एंड मैच भी खत्म हो चुका है। एंड मैच आप लोगों ने देख लिया होगा कि चेन्नई हार गई है। सो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब कुछ कर तो सकते नहीं उसका, है ना गाइस। हार गई तो हार गई, यहाँ पे रात में देखो अंधेरे में। चलो गाइस फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो चाहो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।